गुम है किसी के प्यार में कि आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि कॉलेज की सीनियर लेक्चरर प्रज्वी ईशान और रेवा के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान करती है। वो इस बात से अनजान होती है कि रेवा और ईशान की शादी नहीं हुई। वही रेवा आती है और प्रज्वी रेवा को उसके लुक्स के लिए कॉम्प्लीमेंट देती है और उससे पूछती है कि उसने सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों नहीं लगाया। तो रेवा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपना ही अजम्पशन बना लेती है और रेवा की बात नहीं सुनती। तभी वो रेवा से बोलती है कि स्टाफ रूम में एक मीटिंग है और वो उसे ईशान को अपने साथ लाने के लिए बोलती है। वहीं सावी कैंटीन में जो हुआ उसके बाद कुछ भी नहीं खा पाती और वो टैप के पानी से अपनी भूख मिटाती है। वहीं ईशान उससे बोलता है कि आए उसके साथ कुछ खा ले, लेकिन सावी बोलती है कि उसे भूख नहीं है। तो ईशान उससे बोलता है कि उसने उसको क्यों नहीं बताया उसके साथ जो भी हो रहा था। तो सावी बोलती है कि आप कॉलेज के बाहर मेरे हस्बैंड हैं, कॉलेज के अंदर नहीं, और मैं आपको अपनी परेशानियों से ट्रबल नहीं करना चाहती। रेवा ईशान के पास आती है और उसे बोलती है कि प्रज्वी मैम ने हमें स्टाफ रूम में बुलाया है, और वो दोनों स्टाफ रूम की तरफ चले जाते हैं। शुक्ला वहाँ आता है और बोलता है कि ईशान और रेवा की शादी नहीं हुई है, ईशान की शादी सावी से हुई है। लेक्चरर सारी डेकोरेशन हटा देते हैं। तभी रेवा और ईशान वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तो वो उसको बहाना बना देते हैं कि वो एक्स्ट्रा क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं वो बोर्ड देखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू रीवा एंड ईशान फॉर देयर मैरिज। ईशान वो बोर्ड हटा के साइड पे रख देता है। गुम है किसी के प्यार में कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सुरेखा वीडियो देख लेती है और सावी से बोलती है कि आज के बाद तुम इस घर से कदम बाहर भी नहीं रखोगी। सावी सुरेखा से बोलती है कि उसको सज़ा क्यों मिल रही है जब उसकी कोई गलती नहीं है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए मिस टैलेंट एंटरटेनमेंट।